एक बड़ी प्यारी सी कविता है, कहो तो सुना दूं। भागवत जी से उसका कुछ लेना देना नहीं है, पर किसी कवि ने लिखी है, नाम तो मुझे नहीं पता, पर दो चार पांच बार मैंने सुनाई है, अच्छी है। बातों में कुछ बातें, चीजों में कुछ चीजें, देख नहीं पाओगे 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। क्या? बच्चों में बचपन, पहली चीज ही सत्य लिख दी। बच्चों में आजकल बचपन बचा का? बच्चे धरती पर बाद में आते, फेसबुक पे पहले आ जाते हैं, पहले उनका अकाउंट बन जाता है फेसबुक इंस्टाग्राम सब। बड़े अटक जाते ना फोन में कुछ चलाने में, तो बच्चे से पूछो, बेटा बताना ये कैसे चलेगा, फिर बच्चे बताते हैं यो जी ऐसे। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा, पंजाबी में नाड़ा, ढूंढते रह जाओगे ढूंढते रह जाओगे। आंखों में पानी, दादी की कहानी, आंखों में पानी, दादी की कहानी, प्यार के दो पल, नल नल में जल। हमारे उत्तर प्रदेश हरियाणा में देखो नल सबरे सूख गए, पहले लाइन लगी रहती थी, अब आपको नल सूखे मिलेंगे जो हाथ से हैंडपंप वाले। तो प्यार के दो पल, नल नल में जल, संतों की वाणी, कर्ण जैसा दानी, घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान, पड़ोसी की पहचान, रसिकों के कान, ब्रज में फाग, आग में आग, तराजू पे बट्टा और लड़कियों का दुपट्टा, ढूंढते रह जाओगे ढूंढते रह जाओगे। बातों में कुछ बातें, चीजों में कुछ चीजें, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। भरत सा भाई, लक्ष्मण सा अनुयायी, चूड़ी भरी कलाई, शादी में सहनाई, सच में सच्चाई, मंच पर कविताई, गरीब की खोली, आंगन में रंगोली, परोपकारी बंदे और अर्थी को कंधे, ढूंढते रह जाओगे ढूंढते रह जाओगे। और अगली लाइन तो बड़ी एकदम लगती है, सच्ची है। गाता हुआ गांव, कैसे गांव होते थे, अभी भी हैं, पर वहां भी वो चीज नहीं रही जो गांव में होती थी। गांव वाले लोग शहर में भागने लगे हैं, भैया वहां बढ़िया हमारे बच्चों की पढ़ाई होगी, भविष्य बनेगा। गाता हुआ गांव पनघट की छांव, गाता हुआ गांव पनघट की छांव, किसानों का हल, मेहनत का फल, मेहमान की आस, छाछ का गिलास, चहकता हुआ पनघट, लंबा सा घूंघट, लज्जा से थरथराते होठ और पहलवान का लंगोट, ढूंढते रह जाओगे ढूंढते रह जाओगे। आपस में प्यार, आपस में प्यार, भरा पूरा परिवार, कल में आज, और ध्यान दो, कल में आज और संगीत में रियाज, कल में आज और संगीत में रियाज, सड़क किनारे प्याऊ, संबोधन में ताऊ, 2 रुपए उधार और नेता ईमानदार, ढूंढते रह जाओगे ढूंढते रह जाओगे। बातों में कुछ बातें, चीजों में कुछ चीजें, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। समय है, ये बदल रहा है, समय है तो बदलेगा भी, कोई लाख कोशिश करे, लेकिन कलयुग आ गया। कलयुग आया कहां से? आया कलयुग कहीं बाहर से थोड़ी आता है, कलयुग तो हमारे भीतर से आता है, हमारी मानसिकता से आता है, हमारे विचारों से आता है। बदलते तो सभी हैं, देखो समय के हिसाब से तो सबको बदलना पड़ता है, हम भी बदले हैं, कथा कहने वाले भी बदले हैं, कथा सुनने वाले भी बदले हैं, लेकिन अपने मूल को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी संस्कृति संस्कारों को नहीं छोड़ना चाहिए, बस ये ध्यान रखना।